वीडियो में मैं आपको टॉप 5 रिसोर्स बताने वाला हूँ सी प्लस प्लस और जावा लर्न करने के लिए। अब आप चाहूँ तो मैं अभी आपको फटाफट से ये सारे रिसोर्सेज दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि पहले आपको सिनेरियो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं TSA के वीडियोज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में। तो TSA वीडियोज़ के बारे में बता दूँ कि यार 9 आवर्स की जॉब करता हूँ, तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सब करना, लेकिन मैं फटाफट से कोशिश करूँगा आपके लिए सारी वीडियोज़ प्रिपेयर करने के लिए। तो ये फर्स्ट वीडियो है और इस प्लेलिस्ट का नाम होने वाला है प्लेसमेंट गाइड। तो आप इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, इसमें सारी वीडियोस आपकी अरेंज होंगी और मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी लेके आऊं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप बिगिनर हो, आप फर्स्ट या सेकंड सेम में हो, ठीक है, और आप फर्स्ट बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में हो अगर आप सपोज करो, और आप फर्स्ट बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको वो कहाँ से सीखनी है, ठीक है। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको डिफरेंस क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी भी प्लेसमेंट कोर्स में और किसी भी, अगर मैं अकेडमिक क्राइटेरिया को देखते हुए बात करूँ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है या अगर आपको DSA पढ़ना है, तो जमीन आसमान का अंतर है। प्लेसमेंट कोर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आपको शॉर्ट क्रिस्प वो चीज़ें समझाई जाती हैं जो आपसे एक प्लेसमेंट में पूछी जा सकती हैं, ठीक है, वो चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपसे प्लेसमेंट में आपसे पूछी जा सकती हैं, वो वाली आपको चीज़ें समझाई जाएंगी। लेकिन जब मैं बात करूँ, अगर आप बिगिनर हो, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना है, तो उसके लिए एक अकेडमिक टाइप की मैं कहूँगा के प्लेलिस्ट होनी चाहिए, जिस अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको हर कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में समझाया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे, उन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफ़ी टॉपिक वो नहीं पूछे जाएंगे जो प्लेसमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाया जाता है, जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। और लेकिन अगर आपके जैसे कि ये वाले जो अकेडमिक होता है, इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उनमें तो बिल्कुल नहीं होंगे, और अकेडमिक में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लेसमेंट वाले में कवर नहीं होता है, ठीक है। तो अकेडमिक वाले को कवर करने के सिनेरियो को मैं लेके चल रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि कोई मर्ज सॉर्ट का क्वेश्चन है, मर्ज सॉर्ट से क्वेश्चन आता है आपका काउंट इन्वर्जन सपोज। अब ये सुन के अगर आपने पहली बार सुना तो कोई बात नहीं, काउंट इन्वर्जन, इसमें मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट लगता है, तो ये आपसे अकेडमिक्स में नहीं पूछा जाएगा, या आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में पहली बार पढ़ रहे हो लैंग्वेज, तो आपसे ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये आपके सामने कोई एरे दिया है, सपोज ये आपके सामने कोई एरे दिया है 3, 4, 2, 6, इसको मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड, फिर उसके बाद एक एक हो जाएगा, फिर सॉर्ट करके, और फिर अपन ऐसे रिटर्न कराते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे उसमें एल्गोरिथम के, जो आपके अकेडमिक्स में पूछा जाएगा। ये प्लेसमेंट कोर्स से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझते हो, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है। तो पहले आप आई थिंक आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो जो बच्चे भी स्टार्टिंग में हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पीछे भी मत भागो, पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट जरूर करने हैं पूरे, ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखो, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में क्या चल रहा है कि बच्चे बहुत तेजी से आगे भाग रहे हैं। ज़्यादा मत सोचो, आप पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करो। अकेडमिक्स के हिसाब से मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ जो आपके बेस्ट हैं, ठीक है, क्यों बेस्ट हैं उसका रीजन भी दूंगा मैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, मैं दो रिसोर्सेज C++ के और तीन आपको जावा के बताने वाला हूँ। तो C++ ज़्यादा मैं रिसोर्सेज इसलिए नहीं बता रहा, अगर मैंने ज़्यादा बता दिया तो फिर आप ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किससे पढ़ूँ, तो दो रिसोर्सेज मैं बताता हूँ आपको। तो जो बेस्ट रिसोर्स है मेरे हिसाब से वो गीकी शोज़ है, लेकिन आपको हो सकता है इतना पसंद नहीं आया क्योंकि वो इतनी चटक मटक की लैंग्वेज नहीं है और ऐसा कोई एनिमेशन वैनिमेशन नहीं है, लेकिन मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वीडियो एडिटिंग हो चाहे एनिमेशन हो, मैं केवल कंटेंट पर ध्यान रखता हूँ कि कंटेंट क्या है। मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो, आप फर्स्ट टाइम लैंग्वेज सीख रहे हो C++, तो ये रिसोर्स मेरे हिसाब से डेफिनेटली बेहतरीन होने वाला है, बेहतरीन, क्योंकि जिस हिसाब से एक बिगिनर को पढ़ना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 12th में मेरे पास CS नहीं थी, और मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी CS की, और मैंने अपने सारे सेमेस्टर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 10 CGPA लाए हैं, 10 मीन्स फुल में से फुल, ऐसे ही नहीं लाए हैं, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं मैंने, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से, और जितने रिसोर्स मैं बता सकता हूँ कोई नहीं बता सकता, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो C++ के लिए गीकी शोज बहुत अच्छा है अगर आप बिगिनर हो तो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे अब इसमें फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब औरों ने भी बताया हुआ, लेकिन इस स्पेशल प्रॉपर्टीज, पोसेस्ड बाय फ्रेंड फंक्शन, ये सब चीज़ें आपसे अकेडमिक्स में पूछी जाती हैं, और एज अ बिगिनर आपको ये पढ़ना जरूरी है। अगर आप प्लेसमेंट कोर्सेज देखोगे उसमें काफ़ी चीज़ें स्किप होती हैं,
ठीक है, तो ये सब आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आप अपने अकेडमिक के हिसाब से देख रहे हो तो आपको अकेडमिक के हिसाब से अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हो, सेकंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, तो आप स्किप कर सकते हो इन चीजों को, लेकिन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको इन प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे थंबनेल तक नहीं है किसी में, लेकिन आप कंटेंट की बात करूँ, कंटेंट बेशक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा कंटेंट है बिगिनर के हिसाब से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। ठीक है, तो गीक इश्यूज हो गया आपका सी प्लस प्लस के लिए। यहाँ तक आपके जो एकेडमिक में चीज पूछी जाएगी, फाइल हैंडलिंग आपका लास्ट चैप्टर होता है जितना मुझे पता है, ठीक है, वो आपको पूरा मिल जाएगा स्टार्ट से लेके गीक इश्यूज की प्लेलिस्ट में। और जैसे कि अगर मैं एकेडमिक्स के हिसाब से देखूं तो आपको याद होगा एक वो बॉक्स वाला एग्जांपल, जितना मुझे याद है वो तो हर हर सेमेस्टर में होता ही है, एक बॉक्स का एग्जांपल, एक एरिया का एग्जांपल होता ही है। तो इसी टाइप के एग्जांपल भी आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे, और एक बिगिनर फ्रेंडली तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लेके समझाया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। दूसरा कोडवे थ्योरी, कोडवे थ्योरी तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अ ग्रेट चैनल, क्योंकि आप देख सकते हो कभी भी आज तक कोई फालतू की बकवास नहीं करी, किसी के साथ कोलेबरेशन नहीं किया, पेड प्रमोशन नहीं किया, सीधे आया वीएस कोड खोला और पढ़ाना चालू। और कोड विथ हैरी इज अ वेरी गुड गाय यार, मतलब बहुत बहुत क्या बताऊँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया। थैंक यू सो मच, सबसे पहले मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि उनने बहुत अच्छा गाइड किया है, तो उनकी भी ये वाली प्लेलिस्ट है, तो ये प्लेलिस्ट भी बहुत अच्छी है, आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। थोड़ी सी क्रिस्प है, उससे कंटेंट थोड़ा सा कम है, क्रिस्प है और अच्छा है, और बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाया है, जितना मतलब जिसको पढ़ के हमें मजा आता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और इन दो रिसोर्सेज के अलावा आपको तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, आप केवल लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, ऊप सीखने हैं, इन दोनों रिसोर्सेज के अलावा तीसरे पे जाने की जरूरत है ही नहीं फॉर सी प्लस प्लस। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो ये दोनों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आएगी जावा, तो जावा के लिए भी मैंने दो रिसोर्सेज तो वही सेम रखे हैं, सेम गीकी शोज 325 वीडियोस फॉर कोर जावा, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट यार जावा को अंडरस्टैंड करने के लिए। जावा कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, आप इन डेप्थ अगर समझना चाहो तो काफ़ी वास्ट है, तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हो 325 वीडियोस, और आपको बिलीव नहीं होगा, देखो दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो है, दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो है, आपको बिलीव नहीं होगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम जावा पढ़ी थी तो मैंने ये 325 वीडियोस 6 डेज में कंप्लीट करी थी, 6 डेज में, देख सकते हो आप कितना बड़ा गीक होऊंगा मैं। ठीक है, तो ये 325 आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे को सी प्लस प्लस ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती थी, तो जावा में कुछ इतना नहीं लगा मुझे डिफिकल्ट, और मैंने कर ली थी जल्दी कवर। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इस रिसोर्स को फॉलो कर सकते हो, जावा बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है। अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट करना है क्लियर, तो डेफिनेटली आपको इन रिसोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, ना कि अगर अभी आप मॉडिफाइड रिसोर्सेज देख रहे हो इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले, वो आपकी हेल्प नहीं करने वाले अगर आप बिगिनर हो, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया गीकी शोज, सेम कोड विथ हैरी, वही बात कि कोड विथ हैरी ने तो इसमें नोट्स वोट्स सब प्रोवाइड कराए हैं, असाइनमेंट एक्सरसाइज, बेहतरीन प्लेलिस्ट है, बहुत गजब की प्लेलिस्ट है, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तीसरा ऑलवेज बेस्ट माय दुर्गा सर, और तो दुर्गा सर को आप फॉलो कर सकते हो, बस इनका एक ही चीज़ है कि वीडियोस की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप पे इतना टाइम हो, और इस कोर्स को करने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब टू टू मंथ्स तो आप मान ही सकते हो, अगर आप डेली भी पढ़ो तो टू टू थ्री मंथ्स आपको लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, इतने इन डेप्थ की जरूरत भी नहीं होती, उतना इन डेप्थ है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से बताई गई हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो अपने टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो मैंने इस वीडियो में समझाई, और ये सारे रिसोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ऑब्वियसली दे ही दूंगा, और आप आगे कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि अब ऐसे ही मैं बिगिनर के लिए डीएसए की भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें बताऊंगा अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम डीएसए पढ़ रहे हो, मैं वो रिसोर्सेज का नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा जो आप सोच रहे होगे कि ये लेने वाला है, वो रिसोर्सेज मैं कभी नहीं लूंगा, ऐसे रिसोर्सेज ही बताऊंगा जैसे आपने इस वीडियो में देखे हैं। सो थैंक यू सो मच, देखते रहो, एंड ओके दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो।